नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नए वीडियो में। मेरा नाम है तेजस और आज हमारे पास है Realme का 11X और Vivo का Y56 5G। यहाँ पे प्राइस की अगर बात करते पहले तो यहाँ पे Realme का जो हैंडसेट आपको 16,000 रुपए में 8/128 वाला वेरियंट दिया है, Vivo के अंदर जो ये आपको 19,000 रुपए में 8/128 वाला वेरियंट मिल जाता है। तो प्राइस का अगर डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे Vivo के अंदर क्या कुछ खास मिलता है या फिर Realme के अंदर क्या कुछ स्पेशल मिलता है तो वो आज हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बैक साइड में अगर देखेंगे तो ये दोनों भी फोन जो आपको डुअल रियर कैमरा और फ्लैशलाइट के सेटअप के साथ में दिए है, लेकिन Realme के अंदर ऐसा थोड़ा सा सर्कल के अंदर कैमरा का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। Vivo के अंदर डुअल रियर कैमरा का जो सेटअप है ये नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है। बैक स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो Realme के अंदर जो ये बैक स्ट्रक्चर पूरी तरह से ग्लास डिजाइन के अंदर, ग्लास फ्रेम के अंदर देखने को मिल जाता है और Vivo के अंदर यहाँ पे मैट फिनिश के अंदर दिया है। और ये जो बाजू का है कैमरे के, ये यहाँ पे ग्लास डिजाइन के अंदर देखने को मिल जाता है। Vivo का जो वेट है यहाँ पे आपको 184 ग्राम का दिया है, Realme का वेट 190 ग्राम का। थिकनेस के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस दोनों भी फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। Realme का जो थिकनेस है 7.8 mm का दिया है और Vivo का 8.1 mm। इस साइड अगर देखेंगे तो दोनों भी फोन के अंदर वॉल्यूम अप डाउन की पावर को ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में दी है। नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक एंड माइक का ऑप्शन। यहाँ पे सेकेंडरी माइक दोनों भी फोन के अंदर देखने को मिलता है जो कि ऊपर की साइड में है यहाँ पे। और यहाँ पे Realme के अंदर अच्छी बात निकल के आ जाती है जो कि आपको ट्रिपल सिम स्लॉट दिया है, लेकिन Vivo के अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सिम स्लॉट दिया है। दो सिम एक मेमोरी कार्ड यहाँ पे नहीं लगा सकते, एक तो यहाँ पे दो सिम लगाएंगे तो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक्सपेंडेबल की अगर बात करेंगे तो 1 TB तक के यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर एक्सपेंडेबल हो जाती है अगर आप Vivo में सिंगल सिम लगाते हैं तो। कैमरे की अगर बात करते हैं तो Realme के अंदर 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया है और Vivo के अंदर 50 मेगापिक्सल का। Vivo के अंदर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है, Realme के अंदर 8 मेगापिक्सल का। बैटरी की अगर बात करेंगे तो ये दोनों भी फोन के अंदर आपको सेम बैटरी दी है जो कि 5000mAh की है। चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो चार्जर यहाँ पे 18 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है Vivo में, Realme के अंदर 33 वाट का। और यहाँ पे कैमरे के अंदर अगर देखेंगे तो दोनों भी फोन के अंदर लगभग सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है Realme के अंदर टेक स्कैनर करके, वो ऑप्शन यहाँ पे Vivo के अंदर आपको नहीं दिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे तो दोनों भी फोन के अंदर HD और फुल HD के अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K का जो ऑप्शन है यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर नहीं मिलता आपको। यहाँ पे पहला वाला जो फोन है ये Vivo का है, सेकंड वाला Realme का है। यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो सेल्फी की जो कैमरा क्वालिटी है ये थोड़ी बेटर यहाँ पे Vivo के अंदर देखने को मिल जाती है, थोड़ा शार्पनेस के साथ में इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। Realme की अगर बात करेंगे तो Realme के अंदर थोड़ा ब्यूटी मोड थोड़ा ज्यादा दिया है, लेकिन शार्पनेस की जो है कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। चेहरा उतनी तरह से क्लियरली है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये जो ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर दोनों भी फोन के अंदर इमेजेस ली है, ये जो ये नाइट में पोर्ट्रेट मोड लिया है आउटडोर के अंदर, अगर यहाँ पे लो लाइट्स के अंदर में भी आप इमेजेस कैप्चर करेंगे तो Vivo के अंदर जो ये थोड़ी सी क्लियर देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और ये जो ये नॉर्मल इमेजेस है और ये वाली जो ये नाइट मोड ऑन करने की बात की तो यहाँ पे सेल्फी की जो क्वालिटी है ये ज्यादा बेटर Vivo के अंदर देखने को मिलती है। बैक कैमरे की अगर बात करें तो बैक कैमरे के अंदर वैसे ओवरऑल दोनों भी फोन के अंदर कुछ दिक्कत नहीं आएंगी। ये वाला जो फोटो है नाइट मोड ऑन करने के बाद का है, नाइट मोड ऑन करेंगे तो दोनों भी फोन के अंदर इतनी अच्छी तरह से इमेजेस नहीं देखने को मिलती है और ये नॉर्मल इमेजेस हैं। बैक कैमरे के अंदर कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस दोनों भी फोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इमेजेस क्वालिटी बैक कैमरे की दोनों भी फोन की अच्छी देखने को मिलती है। कलर सैचुरेशन, शार्पनेस जो है ये काफी अच्छा दिया है। सेल्फी की अगर बात करेंगे तो सेल्फी की थोड़ी बेटर इमेजेस क्वालिटी Vivo की देखने को मिलती है Realme के मुकाबले अगर देखेंगे। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो Realme के अंदर आपको डॉट पंच होल स्क्रीन के साथ में डिस्प्ले दिया है और Vivo के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन के साथ में। Vivo की जो स्क्रीन साइज है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 6.56 इंचेस की, Realme की दी है 6.72 इंचेस। दोनों भी फोन के अंदर यहाँ पे IPS LCD दी है और रिजोल्यूशन जो है फुल HD प्लस का। एक्सपेक्ट रेशियो जो है दोनों भी फोन के अंदर 20:9 का देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे टच क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो टच क्वालिटी जो ये ज्यादा बेटर Realme की दी है, 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया है Vivo के मुकाबले अगर देखेंगे तो यहाँ पे। और इसके अलावा अगर देखते तो ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो ब्राइटनेस दोनों भी फोन के अंदर काफी अच्छा दिया है, जिससे आपको आउटडोर के अंदर यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ब्राइटनेस को लेकर। विजिबिलिटी जो है काफी अच्छी दी है यहाँ पे, वैसे ओवरऑल दोनों भी फोन के अंदर ब्राइटनेस काफी अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे।
प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वीवो के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर दिया है और रियलमी के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस। दोनों भी फोन के अंदर आपको ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिल जाते हैं और क्लॉक स्पीड जो है ये भी सेम दी है जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज की दी है। फैब्रिकेशन रियलमी के अंदर 6 नैनोमीटर का मिल जाता है और वीवो के अंदर 7 नैनोमीटर। दोनों भी फोन आपको रैम टाइप LPDDR4X के साथ में आ जाते हैं और यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर जो है आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलता है। रैम एक्सपेंशन का जो ऑप्शन है ये दोनों भी फोन के अंदर दिया है। सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो ये दोनों भी फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में दी है। फेस अनलॉक, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जैसे ऑप्शन दोनों भी फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे प्राइस की अगर बात करेंगे तो ये दोनों भी फोन के अंदर आपको 3000 रुपए का डिफरेंस दिया है। 3000 रुपए के हिसाब से अगर देखेंगे तो दोनों भी फोन के अंदर इतना कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। जैसे वीवो का एंड 3000 रुपए महंगा देखे भी यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शन आपको नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे जो वीवो का एंडसेट 19000 रुपए में दिया है, रियलमी का एंडसेट 16000 रुपए में 8/128 वाला वेरियंट अगर देखते हैं तो। वीवो की अगर बात करेंगे तो वीवो के अंदर सेल्फी की जो क्वालिटी है ये काफी अच्छी देखने को मिल जाती है रियलमी के मुकाबले अगर देखेंगे तो। और रियलमी की अगर बात करेंगे तो रियलमी के अंदर चार्जिंग की स्पीड ज्यादा दी है, बैक कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और डॉट पंच होल स्क्रीन के साथ में डिस्प्ले दिया है तो कुछ स्पेशल यहाँ पे देखने को मिलता है रियलमी के अंदर। वीवो के मुकाबले अगर देखेंगे तो 3000 रुपए सस्ता है यहाँ पे रियलमी का हैंडसेट, काफी आसानी से यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। वीवो के अंदर और एक वेरियंट मिल जाता है जो कि सेम 16000 रुपए में दिया है Y56 का ही, जो कि 4 128 GB वाला वेरियंट मिलता है। तो अभी आपके ऊपर है, आप अगर सेल्फी के हिसाब से हैंडसेट देखेंगे तो वीवो का है और आप अगर यहाँ पे बैक कैमरे की क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे, चार्जिंग की स्पीड के हिसाब से देखेंगे और डिस्प्ले के हिसाब से देखेंगे तो ये रियलमी का हैंडसेट देखने को मिल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू।